कैथल विधानसभा के सबसे बड़े गांव क्योड़क ने भाजपा प्रत्याशी व अपने दिल अजीज लीला राम का ऐसा स्वागत किया कि विरोधियों की बोलती बंद हो गई। पहले कहा जा रहा था कि इस बार क्योड़क गांव लीला राम के साथ नहीं है, इस कारण भाजपा नेता राव सुरेंद्र सिंह की कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन अब स्वयं राव सुरेंद्र सिंह लीला राम के साथ कंबाइन पर बैठ कर आए तो लोगों ने भी अपने दोनों नेताओं के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रामीणों ने फूलों की बरसात करके उनका स्वागत किया। लीला राम के साथ सांसद नवीन जिंदल, भाजपा नेता सुरेश गर्ग, कैलाश भगत, अमरजीत छाबड़ा, विक्की शर्मा, राजपाल तंवर, लक्ष्मण सैनी, हरिकिशन सैनी, धर्मवीर भोला, गुलतान नैना, रघुवीर फौजी, सरपंच जसबीर मिट्ठू सहित 36 बिरादरी के लोग उपस्थित थे। देखें ये वीडियो, नेताओं ने अपने भाषण में क्या कहा। चुनाव से पहले पूरा महत्व में सोच रहा था 2-3 लाख से जीत हुआ तो प्रोडक्ट वैसे कहूंगी जैसे कि किसी पुत्र ब्राह्मण के भारी प्रोडक्ट की योजना करते हुए तो पेड़ों की सजाई को कम पर मिलेगा ताकि और सारे प्रखंड शहर में एक ही चर्चा चलती है, आप भी चल रही है उसके बारे में हमारे हम उनके वही पढ़े वही पढ़े और साथियों आपने भरोसे करके चुनाव में सारा हड़का सारा हरियाणा प्रदेश के लोग आपने राव सर जो कह रहे थे कि जोड़ा गांव इनका भी है जोड़ा गांव आपका भी है तो भाई मैंने भी जो है गोद ले लो मैं कहीं भी ले लो तुमने ले लिया तुमने तो नागरिक के बता दो लगाओगे जिस जिस तरह से मैंने समझाओगे उस तरह से सारे काम मैं कर लूंगा। इसलिए मैं आप सबका
मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आप लोगों को धन्यवाद करूं, किस तरह से आभार प्रकट करूं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एमपी मैं नहीं बना, केवड़ा गांव का हर भाई हर बुजुर्ग अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लीला राम जी को आपने तो बंद बना लिया, मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझते हुए छोटा भाई हूं मैं इनका, तो मेरी आप सबसे विनम्र आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे छोटे मेरे बड़े भाई को यहाँ से जितना मेरे को जैसे मेरे को जिताया था आप उसी तरह से इनको जिता दोगे, तो इस बार ये विधायक नहीं, इस बार ये मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। हम दोनों भाई मिल करके इनके मार्गदर्शन के अंदर, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं इनको बहुत अनुभव है, हम दोनों भाई मिलकर हम आप लोगों की हम सेवा करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि केवड़क जो है, मैं खाली आपकी सपोर्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप जो है पूरे कैथल हल्के को आप लोग संभालें, पूरे कैथल हल्के को नहीं पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेवारी जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी मैं आया पुंडरी से, पुंडरी में बरसाना गांव के अंदर प्रोग्राम था, इससे भी वहां पर 3 गुना लोग थे बरसाना के अंदर, तो पुंडरी से हमारा भाई सतपाल जांबा वहां से भारी बहुमत से जीत रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोग विधायक नहीं, लीला राम जी इस बार मंत्री बनेंगे। कई लोगों को ये है कि भाई दूसरी पार्टी आगे है, तो मैं कहना चाहता हूं चाहे लीला राम जी हैं, चाहे नवीन जिंदल है, चाहे भाजपा के जितने भी ये खिलाड़ी हैं, हम सारे लंबी रेस के घोड़े हैं, हमारे को पता है क्या भागना है, कितना भागना, शुरू में धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बाद में जाके हम स्पीड पकड़ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं शुरू में भाग लेते हैं बाद में जाकर रुक जाते हैं, इसलिए आप देखना अब धीरे धीरे हवा बदल रही है, हवा पूरी भाजपा के फेवर में आ रही है और पूरी शानदार जीत होगी और यहाँ पे हम मिलकर के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सन 2014 में आपके गांव में टिकट दिया, 2019 में लीला राम को टिकट दिया, वो भी आपके गांव का ही टिकट था, और फिर अब 2024 में दोबारा लीला राम जी को टिकट दिया और वो भी आप ही के गांव में। लीला राम जी, ये बड़ी किस्मत की बात है कि दूसरी बार किसी को टिकट मिले और लोग उसको सर आंखों पे चढ़ा लें। क्योंकि आमतौर पे तो लोग एक टर्म देने के बाद फिर प्यार हो जाते हैं, भाई इनका तो इसकी गड़क काटनी और काटनी। अब ये मान के चलो वो जिस प्रकार से अस्पताल में कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए ना आईसीयू में, और जब उसने छुट्टी मिला है, छुट्टी मिले माथे पर हड़े क्यों कहे करे, हे परमात्मा तने दूसरी जिंदगी दे दी या दूसरी जिंदगी दी है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 8 तारीख पाछे एक तो रसोई बड़ी सी बनवा ली है, इतना हो गया 65 साल का, और 65 साल में दुनियादारी का सारा जो दुनियादारी के चच्चे हुए वो खत्म हो जाने चाहिए, इतना लोगों की सेवा में लग जाइए, और उसने चौधरी ने कह दिए जो कह दिए 5-10 किलो दूध फालतू उगाने के लिए, साथियों
क्योंकि भाग अभी नींद आ रही थी, भी कहना जरूरी था। तो मैं एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 तारीख को आप अपना फर्ज निभाएंगे। मंत्री जी कहा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और मुख्यमंत्री बनने का बरगला करके कैथल वालों को वोट मांगने के लिए आते थे। मैं क्यूडक गांव वालों से पूछना चाहता हूं, गांव के एक एक बच्चे करके मेरे बुजुर्ग को पता होगा, जब पहली सूची आई तो इसके स्वयं वो मुख्यमंत्री का सूची में कोई नाम नहीं था, जब दूसरी आई तो भी नाम था, जब तीसरी आई तो भी नाम था, चौथी में भी इसके चाहने वाले एटी ठाठा देखे थे, जब अभी नाम है कि नहीं तब भी बेटे का नाम आया था, वो भी 4 घंटे पहले। जो अपनी टिकट नहीं डिक्लेयर करा सकिया, अपने साथ वाले किसी हलके की टिकट नहीं डिक्लेयर करा सकिया, वो मुख्यमंत्री कहां से बनेगा? व्यापारी वर्ग पर प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं कि उनके साथ लग जाएं। लेकिन साथियों, आपको दावे से कहना चाहता हूं, सुरेश गर्ग मनोज जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, कैलाश भगत जी कोई काम आए थे तो चले गए वो शायद, पूरा पंजाबी समाज और पूरा अग्रवाल समाज लीला राम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आज जब कैथल में नायब सैनी जी की रैली हुई, उस रैली में मैं नायब सैनी जी के पास बैठा था, मैं अपनी कोई बात कर रहा था तो मेरे कान में विधायक जी फूंक मार के गए, भाई इनके अगर लीला राम ने बना के भेज दोगे तो इसको मंत्रालय देने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, ये बुजुर्गों के सिर जो चौतर आ रही है, मैं एक एक अपने भाई को, एक एक अपने बुजुर्ग को कहना चाहता हूं, इसको संभाल लो। अपने आप को एक एक साथी जब लीला राम समझ गए, अपने गांव में जाएगा, कोई थोड़ा बहुत बांगा टेटा भी होगा तो पूरी बरादरी उसके पास जाकर उसको साथ लेकर के आए। लेकिन क्योड़क का निर्णय क्या है, क्योड़क का फैसला क्या है, इस बार सुनने वाले को दिखा दो। आज कोई भी आप मंदिर का मठ महंत पुजारी हो, उससे अगर आप बात करोगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का उपदेश आपको देगा, और कम से गौ तस्करी करने वाले, गौ माता की हत्या करने वाले से आप पूछोगे वो कांग्रेस को वोट देने की वकालत करेगा। पाकिस्तान जनता मुआवजा करने वालों को अगर आप पूछोगे वो कांग्रेस को वोट देने की बात करेंगे। भारत माता की जय बोलने वालों को पूछोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की हिमायत करेंगे। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट तो भारत की माता को प्रेम करने वाले लोग हैं, तो ज्यादा न बोलते हुए मैं तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव बन गया है। मैं एक तरफ से इस सूर्यदेव का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसने हम सबको एक कर दिया, जाति पाति की दीवारें तोड़ करके हम सारे एक हो गए सूर्यवाड़ा को बाहर फेंकने के लिए। इसलिए मैं इसका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, और चुनाव आप जीत चुके हैं, चुनाव रिजल्ट आने का कोई इंतजार नहीं है, आपने रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिया है, जिताराम विधायक बन चुके हैं, आप जीत चुके हैं। ये तो एक एक बात कमल के फूल पे गिरेंगे और विधायक दोबारा फिर लीला राम ने एक बनवाएंगे, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, शिकायत आगे भी रहेगी, माना कुछ नहीं सोचना, माना तो विधायक बनाना बनाएगा आगे। रात रात लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आने वाला विधायक लीला राम है और लीला राम ही रहेगा। जो लोग बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला की, मैं तो एक बात हर जगह कह दूं, पिछली बार हमने 1250 वोटों का बनाया, अपा जी नहीं लगे खड़ पान नहीं खड़े, उसने पैर के ब्योल पदर दिया, बरसात आओ जा पानी आओ सोना जम लग जाए और लग जाए कि नहीं, क्योंकि मार्जिन थोड़ा था, इनके 1200 की जगह 12000 कर दो, ताकि पैर नहीं ज्यादा बात नहीं कहना, मैं तो एक ही बात कहूं, सुबह 5 तारीख को
सुबह 6 बजे उठकर अपना राज्य देवता की आराधना करका सीधे पोलिंग स्टेशन जाओ और कमलकारी सर पर टूम टूम उड़ता था मशीन की टूम लगे और उड़ा सुन जाएगी टूम टूम लगे।